28। ओके, आज का ये लेक्चर हमारा वॉइस के ऊपर है। यहाँ तक हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, काफी दिन पहले वीडियो आया था लेक्चर का, टाइम नहीं मिल पा रहा है, बट आई एम ट्राइंग टू बेस्ट। कोशिश करता हूँ कि आपको सारे लेक्चर्स रेगुलर मिलते रहें, नो प्रॉब्लम, कोशिश करूंगा आज के बाद मिलते ही रहेंगे। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड वीडियो को शेयर कर दें फॉर योर फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू सो मच श्री। ओके, शुरू करते हैं वीडियो में क्या है यहाँ पे। ये तो यहाँ तक हो गया था हमारा, इसको क्या पढ़ना अभी, ये तो हो गया था। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ तक हो गया था हमारा ना लेक्चर नंबर 18 जो था उसमें यहाँ तक हो गया था। अब यहाँ पे आगे पढ़ेंगे हम एक्चुएशन ऑफ द वॉल, एक्चुएशन ऑफ द वॉल्स। ठीक है, ये जो वॉल्स जो मैंने आपको पढ़ाए उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे जाके पढ़ लीजिए। एक्चुएशन क्या होता है ये देखते हैं हम, एक्चुएशन ऑफ द वॉल। ओके, एक्चुएशन मींस एक्चुएटर, जो वॉल्स को ऑपरेट करता है। ओके, वॉल को हम जिस चीज से ऑपरेट करते हैं उसको बोलते हैं हम एक्चुएटर। क्या बोलते हैं उसको? एक्चुएटर। ओके, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है हैंड व्हील ऑपरेटेड मोस्ट कॉमन। ओके, हैंड व्हील क्या होता है? एक एक्चुएटर होता है, मतलब हैंड व्हील से हम बहुत सारे वॉल्स को हम ऑपरेट कर सकते हैं। तो हैंड व्हील क्या है? यहाँ पे एक एक्चुएटर है। ओके, अब हैंड व्हील किस चीज का एक्चुएटर है? तो अगर आप स्क्रीन पर देखेंगे, यहाँ पे आएंगे नीचे की तरफ, यहाँ देखेंगे, ये देखो ये SDNR वॉल है, इसमें भी हैंड व्हील है, ये स्टॉप वॉल है, सॉरी ये स्टॉप वॉल है और ये SDNR साइड सबसे, दोनों में हैंड व्हील है। और नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे ग्लोब वॉल, ये है, इसमें भी हैंड व्हील है। यहाँ पे देखेंगे एंगल वॉल, इसमें भी हैंड व्हील है। और नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे गेट वॉल, इसमें भी हैंड व्हील है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि मोस्ट ऑफ द जो वॉल्स होते हैं वो हैंड व्हील से ऑपरेट होते हैं। तो ये क्या है? हैंड व्हील एक एक्चुएटर है जो ज्यादा से ज्यादा वॉल्स में यूज किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, दूसरा एक्चुएटर के बारे में देखते हैं। दूसरा एक्चुएटर क्या है? लीवर। लीवर ऑपरेटेड, अब लीवर कहाँ पे होता है हमारा? बटरफ्लाई वॉल्व में होता है। ओके, और कॉक्स में होता है, बटरफ्लाई वॉल्व में होता है एंड कॉक्स में होता है। चलिए इसको भी देख ही लेते हैं यहाँ पे स्क्रीन पर, स्क्रीन में ऊपर कर रहा हूँ, यहाँ पे देखेंगे और नीचे जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे। ये देखो ये बॉल वॉल है, इसको कॉक भी बोलते हैं। तो यहाँ पे ये लीवर दिया गया है। ठीक है, और नीचे जाएंगे, अब यहाँ पे और नीचे आएंगे, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखो यहाँ पे बटरफ्लाई वॉल है, ये कॉक है, ये भी कॉक है। तो इनमें क्या है? ये हैंडल दिया गया है जिसको हम लीवर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लीवर का यूज कर रहे हैं। ये समझ में आ रहा होगा आपको, सिंपल है, कुछ है नहीं इसमें इतना ज्यादा, बस आप थोड़ा ध्यान से देख लो एक बार और अपना जो नोट्स बनाओ ना तो उसमें लिख लेना एक्चुएटर्स और हैंड व्हील, लीवर, लाइक दिस। ओके, ये एक्चुएटर्स होते हैं वॉल्स के। चलिए आगे चलते हैं यहाँ पर। अब नंबर तीन पे दिया है मैकेनिकल ऑपरेटेड यूजिंग द स्प्रिंग एंड कैम्स। ठीक है, मैकेनिकल ऑपरेटेड में यूजिंग स्प्रिंग, यूजिंग द कैम्स इनलेट एंड एग्जॉस्ट वॉल्व ऑफ द डीजल इंजन। ये जो पॉइंट है ये हम डीजल इंजन जब स्टडी करेंगे, ये दो में हाईलाइट कर देता हूं इसको, ये पॉइंट्स को हम स्टडी करेंगे जब डीजल इंजन पढ़ेंगे तब। ठीक है, फिलहाल इतना ध्यान दीजिए, ये स्प्रिंग ऑपरेटेड है, सेफ्टी वॉल्व और रिलीफ वॉल्व, इनको हम स्प्रिंग ऑपरेटेड बोलते हैं। मतलब सेफ्टी वॉल्व जो होता है ना वो स्प्रिंग से ऑपरेट होता है और रिलीफ वॉल्व भी स्प्रिंग से ऑपरेटेड होता है। आगे पढ़ेंगे फ्लोट ऑपरेटेड बॉयलर वाटर लेवल कंट्रोलर। ओके, अब ये जो फ्लोट ऑपरेटर है इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल दूं मैं आपको, आपके घर में जो पानी की टंकी है उसमें हम एक फ्लोट वॉल्व लगाते हैं कि वो टंकी जब फुल हो जाए तो उसको ऑटोमेटिक मोटर को वो बंद कर देती है। ठीक है, वो होता है फ्लोट ऑपरेटेड वॉल्व। और आपने घर में जो टॉयलेट्स होते हैं उसमें जो सिस्टर्न होती है, जो पीछे टैंक होता है ना व्हाइट कलर का छोटा सा, वो जो टैंक होता है उस टैंक में भी देखा होगा आपने कभी खोला होगा तो उसमें भी एक फ्लोटर लगा होता है जो कि आप जब फ्लश करोगे तब वो पानी रिलीज करेगा और फ्लश करने के बाद में वो पानी उसमें भरना शुरू हो जाएगा। जैसे ही वो टैंक फुल होगा वो फ्लोटर उसको बंद कर देता है। तो ठीक है, तो वो होता ये हो गया फ्लोट ऑपरेटेड। नेक्स्ट देखते हैं टेम्परेचर सेंसिटिव और कंट्रोल वॉल्व और कूलिंग सिस्टम। अब कुछ वॉल्व ऐसे होते हैं जो टेम्परेचर को सेंस करते हैं और उसी सेंसिंग की वजह से वो वॉल्व ऑपरेट होते हैं, मतलब ओपन होंगे और क्लोज होंगे। ये मोस्ट इनको जो नॉर्मली थर्मोस्टेटिक वॉल्व्स बोला जाता है जो कि फ्रिज में काम करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड यूजिंग द सोलेनॉइड और मोटर। यूजिंग द सोलेनॉइड सेट ऑफ वॉल्व ऑन रेफरिंग सिस्टम कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, ये फ्रिज में सोलेनॉइड वॉल्व भी लगे होते हैं जो कि इलेक्ट्रिकल से काम करते हैं। यूजिंग द मोटर एंड गियर रिमोट ऑपरेशन। ठीक है, सोलेनॉइड से हम मोटर को भी बंद कर सकते हैं। ठीक है, ऑटोमेटिकली काम करते हैं दोनों वॉल्व। न्यूमेटिक और हाइड्रोलिक ऑपरेटेड। अब न्यूमेटिक और हाइड्रोलिक ऑपरेटेड ये क्या होता है? न्यूमेटिक कंट्रोल कंप्रेस्ड एयर होती है, हाइड्रोलिक प्रेशर ऑयल से क्रिएट किया जाता है। तो इनसे भी हम वॉल्स को क्रिएट कर ऑपरेट करते हैं रिमोट लोकेशन, मतलब वॉल आपका कहीं पर लगा हुआ है और कहीं बैठ दूसरी जगह बैठ के आप उसको ऑपरेट कर सकते हैं।
ओके तो बॉल आपका कहीं पे दूसरी जगह लगा हुआ है और कहीं दूसरी जगह बैठ के आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द न्यूमेटिक प्रेशर और हाइड्रोलिक प्रेशर, जैसे क्विक क्लोजिंग वॉल्व हो गया आपके, ठीक है। मैकेनिकली ऑपरेटेड बाय द केबल वायर, कुछ वॉल्व ऐसे होते हैं जो वायर खींचो और वो बंद हो जाते हैं, ठीक है। तो ये तो थे एक्चुएटर ऑफ द वॉल्व्स, इसमें आपको बस हैंड व्हील, लीवर ये याद रखना है और ज्यादा ऐसा कुछ भी है नहीं है इसमें इतना समझाने के लिए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे पॉइंट नंबर जो भी दिया हुआ है, ग्लो वॉल, स्क्रू डाउन स्टॉप वॉल और नॉन रिटर्न वॉल, स्क्रू डाउन स्टॉप वॉल और नॉन रिटर्न वॉल, ये जो ग्लो वॉल दिया गया है इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं क्या यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। और इसके लिए अगर आप बोलो तो मैं अलग से भी एक ग्लो वॉल का वीडियो बना के डाल दूंगा, पर फिलहाल यहाँ पर जितना दिया उतना पढ़ लेते हैं। The figure shows cross-sectional view of the typical glow wall. You should recognize it immediately as it in the most commonly used wall on board the ship and as it tap in your cabin or at home. Okay. अब यहाँ पर ये पॉइंट को आप अंडरलाइन करेंगे यहाँ पर। घर में जो वाटर टैप होते हैं, पानी के जो टैप होते हैं, उनको उनमें उनको ग्लो वॉल बोलते हैं, ठीक है। और शिप में ये सबसे ज्यादा यूज होने वाले वॉल, मोस्ट कॉमनली यूज वॉल ऑन बोर्ड द शिप, ठीक है, ये पॉइंट को ध्यान में रखेंगे, ठीक। उसके बाद में आगे के पॉइंट पढ़ते हैं। अ वॉल सर्कुलर डिस्क इज लिफ्टेड और लोअर्ड अगेंस्ट अ वॉल सीट टू अलाउ और रेस्ट्रिक्ट द फ्लो ऑफ द फ्लूइड फ्रॉम अ वन साइड टू द अदर। ओके, अब यहाँ पर क्या जो ये जो लाइन है ये समझाता हूँ मैं। अ वॉल सर्कुलर डिस्क, यहाँ पे देखेंगे आप ये डिस्क ये वाली, ठीक है, इसमें देखेंगे तो ये वाली डिस्क, ये सर्कुलर डिस्क है जो कि अटैच रहती है और ये अलाउ करती है वाटर के फ्लो को, ठीक है, और स्टॉप करती है वाटर के फ्लो को, ठीक है। इसकी वजह से ही अलाउ और स्टॉप होता है, मतलब वॉल ओपन एंड क्लोज किसकी वजह से होता है, ये जो डिस्क दी सर्कुलर इसकी वजह से होता है। आगे देखते हैं यहाँ तक हो गया। वॉल बॉडी इज फॉर शेप ऑफ द ग्लोब विद प्रोविजन ऑफ फ्लेंज फॉर अटैचमेंट टू द पाइप इन द सिस्टम। अब यहाँ एक विंडो का बहुत दिक्कत आता है। अब जो वॉल की बॉडी है तो यहाँ पे ये फ्लेंज दिया हुआ है, ठीक है, ये फ्लेंज है, ये क्या है, ये फ्लेंज है, बीच वाला मैं रेज कर देता हूँ, ये दोनों साइड में क्या है, फ्लेंज है। फ्लेंज क्या करते हैं, फ्लेंज आर प्रोवाइडेड टू कनेक्ट द वॉल विद द पाइपलाइंस। ओके, इधर से कोई पाइपलाइन आ रही होगी ना, तो उसको कैसे कनेक्ट करोगे, तो पाइपलाइन में भी यहाँ पे एक फ्लेंज रहती है और दोनों फ्लेंज को यहाँ पे नट बोल्ट से कनेक्ट कर देंगे, तभी तो वॉल लगा पाओगे आप, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। तो ये लाइन में लिखा हुआ है कि दो फ्लेंज दी जाती हैं जिनसे आप वॉल को अटैच कर सकते हो, ठीक है, यहाँ तक हो गया। Wall disc is actuated by means of a spindle which can be operated by turning the hand wheel or remote control device. क्या बोलता है ये लाइन कि ये जो डिस्क है वॉल की ये कैसे ऑपरेट होगी, ये ऑपरेट होगी ये हैंड व्हील को रोटेट करने से, ठीक है। ये हैंड व्हील को जब आप रोटेट करोगे तब ये डिस्क आपकी ऑपरेट होगी, मतलब वॉल आपका क्लोज होगा एंड ओपन होगा, मतलब शट होगा एंड ओपन होगा। ओके, दिस वॉल इज वेरी इफिशियंट इन स्टॉपिंग द फ्लो कम्प्लीटली विदाउट लीक्स। ये सबसे अच्छा वॉल होता है, इफिशियंट होता है, बिना लीकिंग के ये वॉल को इसको हम बंद कर सकते हैं, इसमें लीकिंग के चांसेस बहुत कम होते हैं। वॉल्स एंड सीट्स कैन बी वियर ड्यू टू द एरोजन करोजन और ड्यू टू द मैकेनिकल डैमेज ऑपरेशन। हाउएवर डिस्क एंड सीट कैन बी रीग्राउंड और रीमशीन और रिप्लेस इजिली इन सेम बॉडी ऑफ द वॉल। अब क्या बोल रहा है, ये जो डिस्क है ये बार बार हम वॉल को ओपन करेंगे, क्लोज करेंगे, ओपन करेंगे, सेट करेंगे, लिक्विड का प्रेशर आएगा, ये सब चीज़ से क्या होता है, ये जो डिस्क है ना वो खराब होने लगती है, करोजन हो जाता है, इसमें क्रैक्स आ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, ये खराब होने लगती है। तो ये डिस्क को क्या करो आप, या तो रिपेयर कर लो, ठीक है। रिपेयर करना आपको वर्कशॉप में सिखाया गया होगा, इसको लैपिंग बोलते हैं या फिर इसको ग्राइंडिंग बोलते हैं, कैसे किया जाता है उसके लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना जरूर कि वीडियो बनाना है। तो यहाँ पे इसको लैपिंग करो या ग्राइंडिंग करो या मशीन से सही करो, लेकिन सही जरूर करना क्योंकि वो अगर क्रैक्स रहेंगे ना तो वो लीक करेगा आपका, तो या फिर रिप्लेस कर दो, नया डाल दो इसी सीट पर, ठीक है। इस तरह से आप इसको रिप्लेस या रिपेयर कर सकते हो। तो यहाँ पे ये तो इसकी थ्योरी होगी। अब आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ पे डिफरेंट ये डायग्राम्स दिए गए हैं दोनों, ठीक है। ये स्क्रू डाउन स्टॉप वॉल है, ये स्क्रू डाउन नॉन रिटर्न वॉल है। ये वर्किंग कैसे करता है, देखो मैं इसका वीडियो बनाऊंगा पर फिर यहाँ समझा देता हूँ ये वर्किंग कैसे करता है। यहाँ पे लिक्विड इधर से एंट्री करेगा, ओके, और ये डिस्क ऊपर चली जाएगी तो क्या होगा, लिक्विड यहाँ से एंट्री करेगा, ऐसे जाएगा और यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। स्क्रू डाउन स्टॉप वॉल है ये। अब यहाँ पे जो स्क्रू डाउन नॉन रिटर्न वॉल है यहाँ ये वाला, तो इसमें और इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है, इसकी जो डिस्क है ये डिस्क, ये जो स्पिंडल है बीच वाला, इससे अटैच है, मतलब व्हील घुमाएंगे ना जब तो ये स्पिंडल ऊपर जाएगा तो ये डिस्क भी ऊपर।
अब इन दोनों में जो डिफरेंस है ना, वो डिफरेंस क्या है? देखो तो देखने में तो मैं इसको रेज कर दूँ, वीडियो थोड़ा लंबा होता है, बट क्या है कि आपको समझ में आना चाहिए, मेरा मेन मोटिव है कि आपको समझ में आना चाहिए, लंबा वीडियो जाता है बट समझ लीजिए, देखेंगे पूरा वीडियो समझ में पूरा आएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इतना मेहनत से वीडियो बन रहा है, और आप ही लोग बोलते वीडियो बनाओ बनाओ बना तो रहे। अब यहाँ पे क्या है ना, ये जो स्पिंडल है, ये स्पिंडल ये डिस्क के साथ अटैच है, ओके, ये स्पिंडल है वो डिस्क के साथ अटैच नहीं है। तो जब इस हैंड व्हील को आप रोटेट करोगे, स्टॉप वॉल को, तो ये डिस्क जो है स्पिंडल के साथ ऊपर चली जाएगी, ओके। और जब इस डिस्क को हैंड व्हील को ऊपर ऑपरेट करोगे, तो ये केवल स्पिंडल ऊपर जाएगा, डिस्क नहीं जाएगी, डिस्क अपनी जगह पर रखी रहेगी, ओके। यहाँ पे अगर आप इसको जूम नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि रिकॉर्डिंग भी होगा इसी से, आप देख लीजिएगा अपनी आपकी बुक में दिया हुआ डायग्राम है, बुक में देख लीजिएगा, ओके। तो यहाँ पे ये डिस्क ऊपर नहीं जाएगी, क्यों? डिस्क कैसे ऊपर जाएगी? इसकी हैंड व्हील ऊपर चला गया। अभी क्या हो रहा है यहाँ पे, आप कॉमन सेंस यूज करो, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो स्पिंडल है वो डिस्क को नीचे दबाए हुए है। अब ये स्पिंडल अगर ऊपर चला जाए तो डिस्क फ्री हो जाएगी और लिक्विड का प्रेशर पड़ेगा डिस्क के नीचे से, ओके। लिक्विड का प्रेशर पड़ेगा डिस्क के नीचे से, जब यहाँ से लिक्विड का प्रेशर पड़ेगा तो डिस्क ऊपर और लिक्विड बाहर, ठीक है। अब इसी को हम अपोजिट डायरेक्शन में देख लेते हैं, मतलब डायग्राम का कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा, कलर लेता हूँ और थोड़ा पिंक का डायरेक्शन देख। मतलब क्या है? मतलब अगर इधर से लिक्विड गया, तो अब देखो लिक्विड जब इधर से जाएगा तो कहाँ पड़ेगा प्रेशर? डिस्क के ऊपर पड़ेगा। जब ऊपर पड़ेगा तो डिस्क इस पोजीशन में आ गई, क्लोज पोजीशन में, और लिक्विड नीचे आ पाएगा क्या? नहीं आ पाएगा। मतलब ये हो रहा है यहाँ पे कि यहाँ से तो एंट्री है, बट जब ये रिवर्स डायरेक्शन में आता है तो लिक्विड पास नहीं होता, ओके। तो लिक्विड पास नहीं होता, इस तरह से क्या हो रहा है, आप क्या बोल सकते हैं इसको, मतलब यहाँ से जा सकता है बट यहाँ से नहीं जा सकता, एक तरफ से जा सकता है दूसरी तरफ से नहीं जा सकता, तो उसको क्या बोलते हैं, वन वे, ओके। क्या बोलते हैं उसको? वन वे। मींस जो आपका ये स्क्रू डाउन नॉन रिटर्न वॉल्व है, ये वाला क्या क्या है, ये वन वे वॉल्व है, मतलब ये एक ही तरफ से लिक्विड का फ्लो देता है, अपोजिट साइड से नहीं देता, मींस नॉन रिटर्न है, ओके। क्या है ये? नॉन रिटर्न वॉल्व है, इट गिव्स ओनली वन वे फ्लो, क्लियर। ये मुझे लगता है कि आपको समझ में आ जाना चाहिए, आ गया होगा, ठीक है, ये समझ में आ गया। ये क्या है? नॉन रिटर्न वॉल्व। ये जो वॉल्व होता है इसका हम यूज कहाँ करते हैं? मैंने बताया था वीडियो में कि इसका हम यूज करते हैं बिल्ज सिस्टम में। किसमें करते हैं? बिल्ज सिस्टम में इसका हम यूज करते हैं, क्योंकि ये नॉन रिटर्न वॉल्व है, क्लियर। ये दोनों वॉल्व में ये छोटा सा डिफरेंस है, बाकी तो सब सेम ही सेम है। पार्ट्स आप देख लीजिए बुक में, सारे पार्ट्स सेम है, इनके मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, मुझे आप बता देना कि सर इसका अलग से वीडियो बनाओ, मैं इसका एक अलग से पूरा वीडियो बनाऊंगा, इसके सारे पार्ट्स को समझाऊंगा उसमें कि आप क्या क्या पार्ट्स होते हैं और क्या यूज होता है उनका, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा स्क्रू डाउन नॉन रिटर्न वॉल्व, ओके, और स्क्रू डाउन स्टॉप वॉल्व। आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ पर कुछ डायग्राम्स दिए गए हैं, ये देखो, ये भी ग्लोब वॉल के अंतर्गत आता है और ये भी ग्लोब वॉल के अंतर्गत आता है, ये ओरिजिनल डायग्राम है, इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू ऊपर देख चुके हैं हम। इसको नॉर्मली हम एंगल वॉल या ए वॉल भी बोलते हैं, इसको हम एंगल वॉल या ए वॉल भी बोलते हैं, या एंगल ग्लोब वॉल भी इसको हम बोल देते हैं, एंगल ग्लोब वॉल भी इसको हम बोल देते हैं, कौन से को? इस वाले को, ठीक है। नीचे बढ़ेंगे, यहाँ पे दिया है गेट वॉल। गेट वॉल क्या कहता है? ये देखो डायग्राम दिखा आपको गेट वॉल का स्क्रीन पर, ये गेट वॉल का सिंपल डायग्राम है और इस तरह से ओरिजिनल डायग्राम ये है, मतलब ये ऐसा दिखेगा आपको बॉडी में, और इसके क्रॉस सेक्शनल व्यू, मतलब अगर इसको बीच में से काट दो तो किस तरह से दिखेगा, इस तरह से दिखेगा ये गेट वॉल। अब ये कैसे काम करता है इसको देखते हैं। द फिगर शोज द साइड व्यू ऑफ द टिपिकल गेट वॉल, अनदर कॉमनली यूज्ड नेम ऑफ दिस वॉल इज द स्लुइस वॉल, ठीक है। स्लुइस वॉल इसका अलग नाम होगा, बट हम इस सब चीज से मतलब नहीं रखते, हम सिर्फ गेट वॉल याद रखना इसको, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है। गेट वॉल हो गया, अनदर नेम स्लुइस वॉल हो गया इसका। इन दिस केस द डिस्क इज रेज और लोअर लाइक इन केस ऑफ द ग्लोब वॉल बाय द हैंड व्हील एट द थ्रेडेड पार्ट ऑफ द स्पिंडल। अब इसमें क्या बता रहा है? इसमें ही बता रहा है कि जैसे ग्लोब वॉल में जो हैंड व्हील घुमाने से डिस्क ऊपर जा रही थी, वैसे ही इसमें भी हैंड व्हील घुमाने से डिस्क ऊपर जाती है, ठीक है। इसमें भी जब हैंड व्हील घुमाओगे तो डिस्क ऊपर जाएगी, बट हैंड व्हील ऊपर, ये स्पिंडल ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। तो दोनों का फंडा सेम है, डिस्क ऊपर तो ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। It has advantage over the globe wall for the straight flow characteristic. Fluid can be flow through the wall with little obstruction, no changes in direction, and hence little loss in the.
एंड एनहेंस लिटिल लॉस इन द प्रेशर एनर्जी और प्रेशर ड्रॉप। ठीक है, अब ये जो कहानी लिखी है ना, देखो आप जीपी रीडिंग कर रहे हैं, आप अगर हायर लेवल के हैं तो ये इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ लीजिए अच्छे से, क्योंकि आप तो वही हायर लेवल कोर्स कर रहे हैं, बीडीए स्पेशली जीपी रीडिंग। अब यहाँ पे क्या है, ये जो कहानी लिखी है ना इसको भूल जाओ, इतने पढ़े लिखे होते हम लोग तो जीपी रीडिंग काहे कर रहे होते हैं ना, इंजीनियरिंग निकल रही होते हैं, चलो कोई नहीं जीपी रीडिंग कर रहे हैं भैया, तो ये हम चीज को भूल जाते हैं। अब जो बता रहा हूँ उसको सुनो, ठीक है, जो बता रहा हूँ उसको सुनो, ये जो मैंने क्रॉस मारा है इस पर ध्यान नहीं देना है आपने, क्योंकि तो इसको पढ़ेंगे तो जो सीखना वो नहीं सीख पाएंगे, फालतू की चीजें आप दिमाग में रखोगे और डिप्रेशन में चले जाओगे, एक बहुत टफ है यार क्या लैंग्वेज लिखी है, नहीं है कुछ भी इतना टफ नहीं है, हम हैं तो हो जाएगा सब, डोंट वरी ट्रस्ट। ओके, क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, ये जो डायग्राम है ना इसमें हैंडवील है, एक स्पिंडल है, ठीक है, यहाँ तक आया हुआ है स्पिंडल, एक हैंडविल है और एक ये स्पिंडल है, स्पिंडल में नीचे ये लगी है डिस्क, क्या लगी है ये डिस्क, जिसको हम गेट बोल देते हैं, क्या बोलते हैं इसको, गेट बोल देते हैं, ठीक है, ये गेट है यहाँ पर, ये वाला अलग कलर का हो गया, ठीक। अब जब आप हैंडविल को घुमाओगे, रोटेट करोगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये जो डिस्क है वो चली जाएगी कहां पर, यहां पर आ जाएगी, ये जो खाली जगह है ना ये, यहां पर आ जाएगी डिस्क, तो जब ये डिस्क ऊपर चलेगी तो ये जगह होगी खाली, है ना, क्या होगा, ये जो जगह है ये खाली हो जाएगी, डिस्क तो ऊपर चलेगी आपकी, तो लिक्विड यहां से एंट्री करेगा और इधर पास, सिंपल। ओके, अब एडवांटेज क्या है इसका, कि इधर से भी लिक्विड पास कर सकता है, समझ में आ गया, और दूसरा एडवांटेज क्या है कि इसमें जो फ्लो होगा वो फ्री होगा बिना किसी रुकावट के, थोड़ा सा ऑब्स्ट्रक्शन होता है गेट की वजह से, बट बिना किसी रुकावट के फ्लो होगा और फ्री फ्लो होगा, मतलब ज्यादा क्वांटिटी में वाटर फ्लो होगा, ठीक है, वाटर होगा या कुछ भी चीज़ होगा ज्यादा क्वांटिटी में होगा, समझ में आ गया, ये इसका एडवांटेज है। ये वॉल का यूज हम कहाँ करते हैं, वो नॉर्मली बलास्ट लाइन में करते हैं, कार्गो डिस्चार्ज लाइन में इस वॉल का हम यूज करते हैं, ठीक है, तो ये तो हो गया गेट वॉल, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, नीचे डायग्राम्स लिख लेते हैं, ये ओरिजिनल डायग्राम है इसका, पार्ट्स के नाम वगैरह मैंने इसका वीडियो शायद बनाया है, नहीं बनाया है तो मैं आपको बना के दे दूंगा, ठीक है, और ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, आपने वीडियो देखा और नोट्स बनाए होंगे, नहीं बनाए हैं तो वापस से वीडियो देख लीजिए पूरा फिर से और नोट्स बना लीजिए, बहुत ही काम का वीडियो है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा के ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि मैं जब भी वीडियो बनाऊँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए, क्योंकि मैं वीडियो इतनी जल्दी नहीं बना पाता हूँ, लेकिन जब भी बनाऊंगा तो नोटिफिकेशन आपके पास आना चाहिए, अदरवाइज आप वीडियो मिस कर सकते हो, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।